हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस में रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईडीपीज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, उन फैक्टर्स की जो कंसीडर किए जाते हैं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। The importance of EDPs can be clearly understood by their role in economic development of developing countries like India. ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अ पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं टू ग्रो एंड डेवलप इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हम ट्रेडिंग की भी बात करते हैं और कुछ अदर फैक्टर्स की भी बात करते हैं, जैसे कि क्या है एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन किस तरीके से वो रोल प्ले कर रहे हैं टू ग्रो, टू इम्प्रूव, टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज कोई भी बिजनेसमैन है तो, या कोई भी कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या कर रहा है, एक नई पॉलिसी लेके आ रहा है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहा है बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इकोनॉमी तो बढ़ी रही है, साथ के साथ वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू इंक्रीज द, टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी एक रोल प्ले करती हैं किसमें, इंटरनेशनल बिजनेस में और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईडीपीज कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय देयर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट of developing countries like India. EDPs have been playing an important role in speeding up the process of economic development in following ways. ठीक है, अब पहली चीज क्या, international trade. Second चीज क्या, businessman, entrepreneur, जो नए नए idea लेके आ रहे हैं international business को run करने के लिए, उनको और ज्यादा डेवलप करने के लिए। और उसमें हम अब जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट रोल जो क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा स्पीडी डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, पहली चीज क्या, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सिचुएशन या एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कोई कंट्री है एक्सपोर्ट कर रही है, अब जब वो एक्सपोर्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, उसको नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो ऑर्डर करने के लिए लेबर को हायर करेगा, वर्कर्स को हायर करेगा, या वर्कर्स को हायर करेगा तो एक पोजीशन फिल होगी। तो इस तरीके से क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं किसके जरिए, इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए। ठीक है, और उसमें जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, वो नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करते हुए बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या है, हमारी पॉवर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो सकती है। तो पहली चीज ये, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं क्या, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, चाहे हम बात करें एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें, तो क्या है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है। ठीक है, किसके जरिए, ट्रेडिंग के जरिए। जैसे सपोज हम, हमारा क्या है, हमारी बाइंग सेलिंग चल रही है किसी दूसरे बायर्स के साथ जो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, एज अ बैलेंस सारी चीजें प्रॉपरली बैलेंस हो सकती हैं अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। थर्ड वन है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन, चाहे हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपरली हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनको स्पेसिफिक चीजों के लिए हम यूज कर रहे हैं, उनको हम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्लम इन अर्बन एरियाज, ठीक है, और डिफ्यूजन ऑफ टेंशन अमंग यू। प्रॉब्लम्स इन कंडक्टिंग ईडीपीज, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। लैक ऑफ नेशनल लेवल पॉलिसी,
ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे रीजन है जो प्रॉपरली हम सारी चीजों को नहीं कर पाते हैं, तो कोई पॉलिसी नहीं है या फिर लैक ऑफ नेशनल लेवल पॉलिसी है, या फिर पॉलिसी तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ प्री ट्रेनिंग फेज। सेकंड चीज क्या है, इतने स्किल्स नहीं है हमारी वर्कर्स के पास कि उन सारी चीजों को प्रॉपरली यूज कर पाए, कि कोई भी प्रोग्राम है तो उसको प्रॉपरली कंडक्ट करते हुए उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, तो वहां पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज कोई भी नया प्लान रेडी बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली फिर आप क्या करोगे, बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करोगे। तो थर्ड है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं की है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं किया है आपने जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेनीज। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये थी प्रॉब्लम्स इन कंडक्टिंग EDPs और रोल ऑफ EDPs इन इंडिया टू ग्रो इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है। इसमें मैंने जो मेन बात की थी वो की प्रॉब्लम्स की, तो ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स का, ये डिफरेंट इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं EDPs कंडक्ट करने के लिए, तो आप ये करोगे, या फिर अगर रोल की बात करें, कनेक्ट करके आता है ये क्वेश्चन हमेशा ऑलवेज, व्हाट आर द रोल्स ऑफ EDPs इन ग्रो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, प्रॉपरली EDP को एक्सप्लेन करोगे और EDP को इकोनॉमिक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करते हुए आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे सपोज इंडिया है, ठीक है, इंडिया क्या है, अंडर डेवलपिंग कंट्री में काउंट होता है अभी, तो ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये फुल मतलब कि डेवलप कंट्री में काउंट नहीं हो पा रहा है, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो भी हमने डिसीजन करी है उसको, डिसीजन मेकिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, मेन पॉइंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए ये क्या है, मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ स्लम इन अर्बन एरियाज, डिफ्यूजन ऑफ टेंशन अमंग यूथ। जैसे आज के टाइम में बात करते हैं एजुकेशन की, तो आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपरली हम नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ वोकेशनल नॉलेज एंड स्किल्स। एवरी ईयर बहुत सारे ग्रेजुएट्स तो निकल रहे हैं लेकिन उनके पास वोकेशनल नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है कि वो किसी एक जॉब को अचीव कर पाए या किसी एक पोजिशन को ऑक्यूपाई कर पाए। ठीक है, तो आज मैंने ये बेसिक बताया आपको इंटरनेशनल बिजनेस में कि क्या रोल प्ले करते हैं EDPs इन इंटरनेशनल बिजनेस टू ग्रो द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ओके, थैंक यू वेरी मच।